आयो कह रहे हैं कि एक महीना पहले हमारा खाद इसलिए धीमा कर दिया, यहाँ तस्करी और चोरी हो रहा था। मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है। ये केंद्रीय मंत्री जब जाएंगे फाइलों पे दस्तखत कर रहा होगा तो उस कंपनियों को सब्सिडी ये पास कर देंगे। ये बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। चोरी कराने वाले तो उन्हीं का। मैं तो 25 दिन से मंत्री हूँ, एक महीने से मंत्री हूँ। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ दोहरी नीति अपना रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 78% ही खाद बिहार को केंद्र सरकार ने भेजा और यही कारण है कि किसान परेशान और बेहाल हैं। सबसे पहले आप कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का वो बयान सुनिए जिसमें केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे। बिहार को जो जरूरत था फर्टिलाइजर का, और फर्टिलाइजर की जरूरत के लिए वह राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके तय करता है, और वह कागजों पे संयुक्त रूप से स्वीकार करता है कि बिहार को फर्टिलाइजर इतना मात्रा में चाहिए। उसके बिहाफ में मात्र 78% ही बिहार को फर्टिलाइजर मिला। यह जो 22% कम फर्टिलाइजर मिला बिहार को, इसके चलते थोड़ा अफरा तफरी था। आज हम लोगों ने एक महीने में लगभग हम लोग नियंत्रण में ला लिए हैं। थोड़े बहुत जो रेट में फर्क आ रहे हैं वह है केंद्र सरकार की विफल नीतियों के चलते। फर्टिलाइजर को FOR रिटेलर तक पहुंचाना है, जबकि यहाँ पर जो भारत सरकार की जो कंपनियाँ हैं फर्टिलाइजर, वह रैक पॉइंट से लेकर के रिटेलर के बीच की जो भाड़े हैं वो नहीं दे रही हैं, जिसके चलते 15-20 रुपए का फर्क आ जा रहा है बिहार में फर्टिलाइजर के रेट में। क्योंकि आरोप है कि बिहार में 600 रुपया बुरा खाद बिक रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई किया उन्होंने? यही तो हम भी कह रहे हैं, क्यों नहीं भारत सरकार कार्रवाई की? ये जो खाद बेचने वाली, उर्वरक बेचने वाली जो फर्टिलाइजर कंपनियां भारत सरकार की है, और भारत सरकार ने कानून बनाया है कि अगर जो मूल्य से अगर कोई भी 1 रुपया ज़्यादा अगर खाद बेच रहा हो तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार क्या यह स्वीकार करने को तैयार है कि सब्सिडी नहीं देगी कंपनियों को जिन्होंने 600 रुपया बेचा है बिहार में 400-500? मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है बिहार में, कालाबाजारी करा रहा है, ये साबित होता है इससे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जब जाएंगे फाइलों पे दस्तखत करना होगा तो उस कंपनियों को सब्सिडी ये पास कर देंगे। माननीय फर्टिलाइजर मिनिस्टर भारत सरकार के कल बयान को मैंने देखा और सुना। मैं कल दरभंगा में था कृषि विषय को लेकर के, वहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से आरोप लगा रहे थे कि बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं। यह बात सच है, हम इस सच को स्वीकार करते हैं, हमने भी तो यही बात कही थी 2-4 दिनों पहले। लेकिन कौन बिहार सरकार में, कौन व्यक्ति करा रहा था कालाबाजारी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के वह केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। और हम 4 दिन पहले भी जब मैंने यही बयान दिया कि मेरे विभाग में चोरी बेमानी हो रहा है तो हंगामा बरप गया पूरे बिहार में। मैं भी तो कह रहा हूँ चोरी हो रहा था, चोरी कराने वाले तो उन्हीं का। मैं तो 25 दिन से मंत्री हूँ, एक महीने से मंत्री हूँ। आयोग कह रहे हैं कि एक महीना पहले हमारा खाद इसलिए धीमा कर दिया, यहाँ तस्करी और चोरी हो रहा था। साबित हो गया जो मैं कह रहा था, वो बात साबित हो गया बिहार में। तो आपने सुना, बिहार सरकार में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है बिहार के साथ। 78% ही खाद बिहार भेजा है जिसके कारण किसान परेशान और बेहाल हैं। और जो सवाल केंद्रीय कृषि मंत्री उठा रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार में जो कृषि मंत्री हैं उनका ही दोष है, तो उसको लेकर जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।